एक अल्लाह वाले को लोगों ने देखा कि बाजार में रो रहा है, बाजार में लोगों को देखकर रो रहा है। लोगों ने पूछा, ए अल्लाह वाले, तुम लोगों को देखकर क्यों रो रहे हो, मार्केटों में बाजार में लोगों को देखकर क्यों रो रहे हो? तो अल्लाह वाले ने कहा, मैं इन लोगों को देखकर रो रहा हूँ कि दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी में लोग कारोबार में किस तरह मशगूल है, कारोबार में घरों मकान में किस तरह मशगूल है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए लोगों के पास वक्त ही नहीं मिल रहा, और इसीलिए उसको मैं देख कर रो रहा हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद उसी अल्लाह वाले को लोगों ने देखा कि कब्रिस्तान में कब्रों के पास बैठ कर रो रहे हैं। लोगों ने पूछा, उस दिन आपको हमने तो मार्केटों में बाज़ारों में देखा कि आप रो रहे थे, आज कब्रिस्तान में रो रहे हैं। तो अल्लाह वाले ने फरमाया कि जब मैं मार्केट में रो रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि अभी अल्लाह, अभी जब ज़िंदगी है तो अल्लाह को राज़ी करने का वक्त है, लेकिन वे लोग अपने कारोबार में मशगूल होकर अपने हकीकी मालिक को भूल कर अपनी ज़िंदगी में इस तरह मशगूल हो गया कि अभी ज़िंदगी है तो अल्लाह को राज़ी करने की इसके पास फुर्सत नहीं है। आज कब्रिस्तान में मुर्दे के पास आकर इसीलिए रो रहा हूँ कि आज जब इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो यह मुर्दा चाहता है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला राज़ी होने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि हमने तो ज़िंदगी दिया था, लेकिन उस ज़िंदगी में तुमने हमको राज़ी नहीं किया, हमको नाराज़ करके ज़िंदगी गुजर बसर की, आज तुम कब्र में आने के बाद यहाँ पर पछता रहे हो। अल्लाह ताला वहाँ राज़ी होने के लिए तैयार नहीं होता, और यहाँ हम यहाँ राज़ी करने के लिए तैयार नहीं है।